राजनीतिक संरचना ऐसी है जिसकी वजह से ये चीजें होती है। बात एक है जो पॉलिटिकल विल की बात है, जब हम सत्ता में रहते हैं जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तब वो जब बातें करते हैं करप्शन की कि बहुत करप्शन है, हम जब आएंगे इलेक्शन के दौरान के जो भी भाषण सुनिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज के, तो हम दूर करेंगे विकास करेंगे, दो ही मुद्दे होते हैं। और जैसे ही सत्ता में आते हैं उसके बाद कहने को तो वो चीजें रहती है लेकिन कहीं दिखाई नहीं देती। जैसा आपने रिपोर्ट में भी कहा, जांच होती है दो कारणों से, या तो जब आपको किसी को पॉलिटिकल वेंडेटा हो, आपको करप्शन मालूम है लेकिन आप बर्दाश्त करते हैं, चुप रहते हैं, जब आपको उनको साधना होता है, अगर विपक्षी पार्टी ने विरोध में कुछ कहा तब आप तमाम जांचें इनिशिएट करते हैं, ये जानते हुए कि वो जो आरोप आज लगा रहे हैं वो काफी पुराने आरोप हो सकते हैं, पहले के करप्शन है जी, या तत्काल के भी है, तो कई बार जानते बूझते आपको मालूम होता, आप उन चीजों को इग्नोर करते क्योंकि उस पॉलिटिकल पार्टी का या जो लीडर है उसका आपको सपोर्ट होता है। कई बार जो अब ज्यादातर जो भी जांचें इनिशिएट होती है वो ऐसा दिखता है कि अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को साधने के लिए कि कैसे हम सत्ता में दूसरे जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल करें, किस तरीके से जो जांच है या करप्शन है उसको अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो जांचें होती हैं, खास करके पॉलिटिकल जांचें, इसीलिए कहूंगी जनता जानती है, कोई चीज छुपी नहीं है, कि आज आपके पास अगर कुछ नहीं है और चुनाव जीतते जब बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने लगते तो कहां से आती है, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं है। कार्रवाई तभी होती है जब वो अगर आपका विरोध करता है, कुछ बोलता है और अगर शांत हो गया तो फिर जांच की रफ्तार भी जितनी तेजी से शुरू होती है उतनी ही तेजी से धीमी भी हो जाती है। जी नरेंद्र सिंह।